हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन जुगाड़ में। ये कुछ नया जुगाड़ था ना वीडियो प्रेजेंट करने का, पर आज का हमारा टॉपिक इसके बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की लाइफ में स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें पता नहीं होता अक्सर कि उसको करते कैसे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट स्कैन करने की। ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए कैफेज के चक्कर लगाते हैं आज भी। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि फ़ोन से भी हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, और जिनमें बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि फ़ोन से बस फोटो क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बस केवल फोन पर जैसे नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं वैसे क्लिक करना है, और वो खुद से जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है वैसे स्कैन करेगा और आपकी कॉपी तैयार कर देगा। बहुत अच्छा ऐप है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है अपने स्मार्टफोन से डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनली स्कैन कैसे करें, वो भी एक सिंपल क्लिक में। तो ये जानने के लिए कि वो कौन सा ऐप है और कैसा काम करता है, हमें अपने फोन की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। अब आपको कहाँ जाना है ये तो पता ही होगा, गूगल प्ले स्टोर। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सर्च एरिया में जाके सर्च करना है डॉक्यूमेंट स्कैनर। यहाँ आपको बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे होंगे जिनसे आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, पर इनमें मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अलग है, क्योंकि उसमें आपको सिंपल एक क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंट के ऊपर और बाकी सारे एडजस्टमेंट करके वो खुद आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली बना देगा। तो वो ऐप है आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर पीडीएफ क्रिएटर। यहां पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए, अब हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। जो अलाउ का ऑप्शन आपको देता है वो सारे अलाउ कर दीजिए। इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, आप चाहें तो इसको पढ़ लें और चाहें तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं। अब ये आपसे पूछता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो किस फोल्डर में जाएगा। तो उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर का कोई नाम दे दीजिए, मेरी स्कैनिंग, और ओके कर दीजिए। अब आपको उस पर क्लिक करना है जो भी फोल्डर पे आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके ले जाना है, और उसके बाद इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगा स्कैन फ्रॉम कैमरा, इस पर क्लिक करिए और चलिए एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको दिखाते हैं। आपको सिंपल उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे कैमरे को रखना है और एक क्लिक कर देना है। मगर अगर आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट में कहीं से शेडिंग पड़ रही है या रोशनी कम है तो आप यहाँ से फ्लैश को ऑन कर सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर कैमरा रख के बस क्लिक कर देना है। बाकी की सारी प्रोसेसिंग देखिए इसने खुद कर ली। कैमरे का एरिया खुद सेट कर लिया, कैमरे का ब्राइट सॉरी डॉक्यूमेंट का ब्राइटनेस, कंट्रास्ट खुद इसने सब कुछ एडजस्ट कर लिया और आपका डॉक्यूमेंट रेडी है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो आप इसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और जब आपको लगे कि हाँ मुझे ऐसा ही डॉक्यूमेंट चाहिए तो बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ओके। तो देखिए कितनी प्रोफेशनल तरीके से इसने डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। तो देखा आपने ये कितना यूजफुल ऐप है। बाकी की सेटिंग आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, वैसे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसने सारा कुछ खुद से कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।